आप देख रहे हैं ई टीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। सूरत के बाद अब इंदौर में लगा कांग्रेस को झटका। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस ने पंजाब की 4 लोकसभा सीट पर घोषित किए उम्मीदवार। लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को दिया टिकट। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। जारी रहेगी संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच। अदालत ने टीएमसी को लगाई फटकार। कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने हुबली हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पुलिस सोशल मीडिया हैंडल्स को जारी करेगी नोटिस। गृह मंत्रालय की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। कर्नाटक के चामराजनगर से भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद का निधन। 4 दिनों से आईसीयू में थे भर्ती। इसी साल मार्च में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का किया था ऐलान। कनाडा में खालसा दिवस पर पीएम ट्रूडो के सामने लगे खालिस्तान समर्थक नारे। ट्रूडो बोले, हम करेंगे आपकी रक्षा। भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के पहले दिन ग्रीन जोन में बंद हुआ। बीएसई पर सेंसेक्स 902 अंकों की उछाल के साथ 74,000 से ज्यादा पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.96% की बढ़ोतरी के साथ 22,634 पर क्लोज हुआ। थॉमस कप में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राजस्थान के अजमेर में होगी जॉली LLB 3 की शूटिंग। DRM कार्यालय अजमेर बना जिला एवं सत्र न्यायालय दिल्ली का परिसर। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें। अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।